प्रिय रितु जायसवाल जी को आप सब अपना एक एक वोट लंटेन छाप पर देकर यहाँ से विजयी बनाइए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के शिवहर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। ऐसे में आज ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और राजद की प्रत्याशी रितु जायसवाल को समर्थन देने के लिए लोगों से अपील की है। रितु जायसवाल को वोट करने के लिए लोगों से अपील की है। इस दौरान मंच से रितु जायसवाल भी खूब गर्जी। रितु जायसवाल ने अपने विरोधियों पर कड़ा पलटवार किया और इसके साथ ही जनता से अपने लिए वोट भी मांगा। बता दें कि रितु जायसवाल आरजेडी की तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। ऐसे में आरजेडी की ही एक और तेज तर्रार महिला नेता का साथ उन्हें मिल गया है। इतना ही नहीं, वह तो रितु जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार और रैलियों में शामिल भी हो रही हैं। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं आरजेडी की महिला नेता सीमा कुशवाहा की। बता दें कि सीमा कुशवाहा लगातार रितु जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करती हुई दिख रही हैं। आज भी जनसभा के दौरान सीमा कुशवाहा तेजस्वी यादव के साथ दिखी। इस चुनावी सभा में मंच पे उपस्थित महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण जोश और उत्साह से भरे हुए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, पिता तुल्य अभिभावक, प्यारी माताएं बहने, मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। साथियों, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार तेज तर्रार लोकप्रिय रितु जायसवाल जी को आप सब अपना एक एक वोट लंटेन छाप पर देकर यहां से विजयी बनाइए। साथियों, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। ये लड़ाई आप सबको अधिकार दिलाने की है। साथियों, भाजपा वाले संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन। इसके अलावा रितु जायसवाल के साथ सीमा कुशवाहा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों कार पर सवार हैं और इसके साथ ही जनता का अभिवादन स्वीकार कर रही है। वही वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। इसके साथ ही समर्थकों के बीच रितु जायसवाल और सीमा कुशवाहा के साथ सेल्फी लेने की होड़ दिखी है। हालांकि रितु जायसवाल के काफिले के कारण थोड़ी देर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, लेकिन वीडियो से साफ देखा जा सकता है, वीडियो में साफ दिख सकता है कि रितु जायसवाल और सीमा कुशवाहा के लिए लोगों के बीच कितना उत्साह है। रितु जायसवाल आरजेडी की ओर से प्रत्याशी हैं और उनके बारे में जो कुछ भी जानकारियां हैं वो तो अब आपके लिए जग जाहिर हो चुका है। लेकिन बात करें आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा की, तो सीमा कुशवाहा एक ऐसी नेत्री है जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होती है। अकेले फेसबुक पर 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रील बनाकर भी खूब अपलोड करती हैं। सीमा रोहतास जिले से ताल्लुक रखती हैं और जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। अपने फॉलोअर्स के दम पर राज्य स्तर की पॉलिटिक्स में भी पकड़ है। वही सीमा कुशवाहा का सोशल मीडिया पर क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके द्वारा अपलोड तस्वीरों को जबरदस्त लाइक और कमेंट भी मिलता है। सीमा अपने तस्वीरों के जरिए भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी टक्कर देती हैं। वहीं सीमा कुशवाहा जिला परिषद सदस्य रहने के बाद भी कई पार्टियों से जुड़ी रही। लोकसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुकी हैं, जिसके बाद आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की अब चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल
आरजेडी के लिए प्रचार करते हुए वे दिखाई दे रही हैं। राजद में शामिल होने से पहले सीमा कुशवाहा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से भी जुड़ी हुई थी। जुलाई 2023 में ही वीआईपी में वे शामिल हुई थी। इसके बाद पाला बदलकर तेजस्वी से मिलने के बाद राजद में शामिल हो गई। सीमा कुशवाहा का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। चुनाव लड़ने के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में फिलहाल सीमा कुशवाहा पूरी तरह से जुटी हुई देखी जा सकती है। खैर, फिलहाल वह आरजेडी कैंडिडेट ऋतु जायसवाल के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं और इसके साथ ही जब 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर ऋतु जायसवाल को शिवहर की जनता ने कितना आशीर्वाद दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।